हेलो फ्रेंड्स, आपका ममता किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे टकाटक कुरकुरे एकदम बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मार्केट स्टाइल कुरकुरे बनाने के लिए देखिए, हमने यहाँ लिया है चावल का आटा, पाउडर बना लिया है चावल को पीस करके, और यहाँ लेंगे मैदा 1 चम्मच, और 2 चम्मच है, और 2 चम्मच बेसन लिया है चने का, और 1/2 चम्मच नमक, और ये 6 चम्मच चावल का आटा है इस चम्मच से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें चावल का आटा, 2 चम्मच बेसन, बेसन भी मैंने इसी चम्मच से लिया है दोस्तों, और मैदा भी। आप मैदा की जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, और 1/2 चम्मच नमक। और जिस कटोरी से मैंने चावल लिया था उस कटोरी से ही 1.5 कटोरी पानी लेंगे। ये देखिए 1 कटोरी और 1/2 कटोरी और। और इसे मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना रहे, इसमें एक भी लम्स ना रहे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया है अच्छे से। तो चलिए अब इसे हम गैस पर रखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने गैस ऑन कर दिया है और इस पर चढ़ा दिया है ये बैटर। तो चलिए इसे मिक्स करते हुए हम पकाएंगे, लगातार चलाते हुए हम इसे पकाएंगे, नहीं तो ये लग जाएगा नीचे में। गैस को मैंने मीडियम रखा है। ये देखिए हमारा बैटर थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया है। जब तक ये डो फॉर्म में ना आ जाए तब तक हम इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे, लगातार चलाते रहेंगे। गैस को हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम में हम थोड़ी देर पकाएंगे इसे, स्लो फ्लेम में, जब तक ये डो फॉर्म में नहीं आ जाए। ये देखिए अब हमारा बैटर हो चुका है, इस तरह का रहेगा। अब यहाँ हम गैस बंद कर देंगे। इसे मैंने करीब 3 से 4 मिनट पका लिया है। अब इसे कम से कम 5 मिनट ढक देंगे। 5 मिनट ऐसे ही ढक कर रहने देंगे, 5 मिनट बाद हम इसे देखेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस पे निकाल लेंगे। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। यहाँ देखिए मिश्रण कुछ ठंडा हो गया है, हम इसे हाथों से टच कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 पिंच के करीब सोडा डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया है सोडा इसमें। अब चलिए हम बना लेते हैं अपने कुरकुरे। एक थाली को हम चिकना कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल लगा कर,
भाई देखिए हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ऐसे ताकि चिपके नहीं, और थोड़ा थोड़ा हम लेते हुए बैटर को और ऐसे उंगलियों की हेल्प से ऐसे टेढ़े मेढ़े हम बना लेंगे। देखिए ऐसे ही होता है ना। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। देखिए देखिए इस तरह से। तो चलिए हम सारे बना लेते हैं। ये देखिए सारे कुरकुरे बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। अब चलिए हम इसे तल लेंगे। देखिए गैस पर मैंने ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए। फ्लेम एकदम हाई है और एकदम तेज गरम हमें तेल चाहिए। अब इसमें हम सारे कुरकुरे डाल देंगे फ्राई होने के लिए। अब गैस को हम मीडियम कर देंगे। ये देखिए अब हमारे सारे कुरकुरे ऊपर आ चुके हैं। अब इसे हम मीडियम आंच पे धीरे धीरे सेकेंगे। पहले हम तेज आंच में डालेंगे इसको। तेज तेल गर्म होना चाहिए, उसके बाद हम थोड़ा धीरे कर देंगे ताकि ये अंदर तक पूरी अच्छे से सिक जाए। ये देखिए अब हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। देखिए इसकी आवाज़ देखिए बिल्कुल है ना करारे। तो चलिए सभी हम ऐसे ही तल लेंगे। ये देखिए हमने सारे कुरकुरे तल लिए हैं। आवाज़ से आपको क्रिस्पी लग रहा होगा, पता ही चल रहा है कितना क्रिस्पी है। तो चलिए इसे थोड़ा स्पाइसी बना लेते हैं चटपटा। यहाँ पर मैंने लिया है पास्ता मसाला। आप चाहे तो मैगी मसाला भी ले सकते हैं, चाट मसाला भी ले सकते हैं, या घर के सामान से भी आप बना सकते हैं, घर के मसालों से भी। तो चलिए बस हम यहाँ एक चम्मच लेंगे पास्ता मसाला। ये देखिए बस इतना सा, और थोड़ा सा लाल मिर्च। अगर आप तीखा कम खाते हो तो नहीं लें, स्किप कर सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बस इतने कम सामान से ही हमारा कुरकुरे बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल चटपटा और क्रिस्पी। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी ये कुरकुरे। ये देखिए हमारे कुरकुरे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो एंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ। चलिए धन्यवाद।